students now we are going to study the epistemologies of social research in previous lecture we have talked about the ontological beliefs in social research and now we are going to see the what is epistemologies what is epistemology and what kind of epistemologies exist in social research epistemology ko hum theory of knowledge bhi kehte hain and uh, in this uh, thing we actually try to answer this research question that how do we acquire the knowledge. Uh, Crotty considered it as theory of knowledge embedded in the theoretical perspective and thus in the methodology so it is something which is linked with your uh, theoretical perspective as well and your methodology as well and according to the Creswell uh, epistemology is the relationship between the investigator and the investigated. पेस्टेमोलॉजिकल uh, बिलीफ जो है वो बहुत ज़्यादा लिंक्ड है इन्वेस्टिगेटर और investigate, जो इन्वेस्टिगेट हो रहा है उसके साथ भी तो अगर हम एम्पस्टेमोलोजी की टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट टाइप जो है वो है एम्पेरिसिजम एंड इन दिस टाइप ऑफ एपेस्टमोलोजी वी टॉक अबाउट अबाउट ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड वी कंसिडर दैट ह्यूमन एक्सपीरियंस एज आ सोर्स ऑफ नॉलेज यानी हम ऑब्जर्वेशन को जो है वो वैल्यू करते हैं और हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन वी कलेक्ट द एविडेंस एंड व्हेन वी एनालाइज द एविडेंस एंड सिंथेसाइज द एविडेंस वी प्रोड्यूस द नॉलेज एंड एविडेंस इज समथिंग व्हिच इज़ एम्पेरिकल व्हिच इज़ मईबल एंड एंड देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल्सिफिकेशन एज वेल सो एम्पेरिसट जो पिस्टमोलॉजी है वो ये एक्सेप्ट भी करती है कि आपका जो ह्यूमन ऑब्जर्वेशन है जब आप उसके ऊपर कोई डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो एक गलत डाटा भी हो सकता है तो पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल्सिफिकेशन हमेशा रहती है जो सेकेंड एपिस्टमोलॉजी है वो है रैशनलिज्म एंड इन रैशनलिज्म वी बिलीव दैट रीजन एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज इंस्टेड ऑफ़ ह्यूमन एक्सपीरियंस वी कंसिडर दैट टू प्लस टू इज़ इक्वल टू फोर तो इसमें किसी ह्यूमन एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है uh, हमें मालूम है कि दो जमा दो एक लॉजिकली चार ही होंगे थ्री प्लस टू इज़ इक्ल टू फाइव यानी तीन जमा दो जो है वो पाँच ही होंगे इसी तरह जो सोशल वर्ल्ड के लॉज हैं वो एग्जिस्ट करते हैं हमें उसको रीज़न की बुनियाद पे इन्वेस्टिगेट करना है ना कि उसको uh, uh, उसके लिए हमें ह्यूमन एक्सपीरियंस की ज़रूरत है जो थर्ड अपस्टमोलॉजी है वो है स्केप्टिसिजम एंड दिस अपिटमोलोलॉजी क्वेश्चन द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉलेज एंड नॉलेज रिक्वायर सर्टिनिटी इसमें हम जो सोशल फिनिना है उसको ऑब्जर्व uh, uh, करते हैं विद द लेंस ऑफ स्केप्टिसिज्म के uh, ये एग्जिस्ट भी करता है इसके पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस भी है कि नहीं है uh, इसी तरह जो फोर्थ पिस्टमोलॉजी है वो है ऑब्जेक्टिविज्म जिसमें हम ये समझते हैं कि रियलिटी और नॉलेज इनहेरेंटली रिजाइड विद एन ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट एंड इज़ नॉट एट ऑल आ प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्शियसनेस यानी कि जो रियलिटी है वो लाई का मैटर है वो लाई का ना ऑब्जेक्ट है और वो एग्जिस्ट करती है और हम उसको एक्सपीरियंस के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं कंस्ट्रक्शनिज्म इन दिस पिस्टेमोलॉजी वी बिलीव दैट नॉलेज इज द प्रोडक्ट ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन माइंड एंड ऑब्जेक्ट यानी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं ये हमारे माइंड के ऊपर है हम उसको Uh, किस तरह उसको कंसीव कर रहे हैं तो जब हम इस थियोरेटिकलजमशन uh, के साथ जाते हैं तो हमारी पेस्टमोलॉजी जो है कंस्ट्रक्शनज्म हो जाती है सब्जेक्टिविज्म द इम्पोजिशन ऑफ मीनिंग बाय द माइंड ऑन द ऑब्जेक्ट यानी हमारा माइंड किसी चीज़ को कैसे इंटरप्रेट करता है uh, ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि एक फिनाबिडर को अगर पांच डिफरेंट लोग देख रहे हैं तो उसको पांच डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करें जब हम ये मान लेते हैं कि एक ही फिनमिने को पाँच लोग डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं तो हमारी अपिस्टेमोलोजी जो है वो सब्जेक्टिविज़म हो जाती है तो ये जो मोस्टली नाउन अपिटेमोलॉजी है सोशल साइंसेस की जिसके ऊपर हमने बात की है अब इसी की बेसिस पर आगे हम बात करेंगे पॉजिटिवज़्म के ऊपर और उसके ऊपर हम बात जो है अपने नेक्स्ट मड्यूल में करेंगे